नवे बने ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा बड़िंग लगातार एक्शन मोड च नजर आ रहे हैं। उन्होंने वालों सूबे भर के जिलों के बस स्टैंडा का दौरा किया जा रहा है, जिस दे मद्देनजर अज ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा बड़िंग मोगा बस अड्डे ते पहुंचे। इत्थे उन्हां सरकारी बसां च मुफ्त सफर कर रही महिलावां नाल गलबात कीती। इस दे नाल ही उन्हां बस स्टैंडा ते बणियां दुकानां दे मालकां नाल भी गलबात कीती है। ਮਾਨਾ ਜਾ ਕੋ ਬੋਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਲੈਨੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ वीडियो च देखा जा सकता है कि राजा बड़िंग महिलावां नूं इह पुछदे हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं कि सरकार वल्लों उन्हां नूं मुफ्त सफर की दिती गई सहूलत तो वह किन्नी क खुश ने। इस दौरान महिलावां भी राजा बड़िंग नाल गलबात करन दे नाल नाल सरकार का धन्नवाद करदियां नजर आ रही ने। आधार कार्ड ही चंगा फैसला लिया ना, लेडीज फ्री वाला फैसला चंगा कि नहीं? ये मुंडा कौन है? हस्बैंड है। तू गुस्से तो नहीं की भी मेरी घर वाली नाल मैनू बहना पै रहा है? सानू पिंडा च प्राणियां जिहड़े बंदे है बजुर्ग वो सानू कहते कि यार ये तुसीं फैसला करता हुण सानू लेडीज दे मगर चढ़ के जाना पैंदा है, साडा भी फ्री करो। असीं चाहुंदे हां कि औरतां नूं अगे लेके लेडीज बेचारिया वो चुल्ला चौका कर दिया चलिया जाए शहर भी नहीं जा सकती। सो यार गुस्से ना हो तेरे पैसे बच रहे हैं सरकार करके ये करके जो तू जाता तो भरा मेरे वो दो मुंडे जो पैसे लगने से हूँ तेरा 200 रुपया बच जाना चंगी गल है ना गुस्से तो नहीं ये ना हो अगला कहना यार घर वाली भी चलती है मेरी चलती नहीं कदे कदे मैनू भी जैलसी हो जाती है मेरी घर वाली जो वोटा मंगन जाती है और वेख के ज्यादा कट हों तो फिर बंद हो जाती है माड़ी माड़ी होनी नहीं चाहिए दारू पीनी मैं तुसी उठदे हो 7 बजे लेडीज उठदी 4 बजे वो कूड़ा करना फिर दुध रिटना फिर पिओना फिर चाह तरनी फिर बंदे नूं देना फिर रोटी टोक बना के खेत जाना फिर शाम नूं बंदे नूं फिर खवानी फिर संभालना चूल्हा चौंका मैं क्या लेडीज तो थक गई नहीं 8 घंटे काम करके कहने थक गए हूँ पैग लाने
ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਗੋਰੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਰੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸਭ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋੜੀਆਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਖੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਚੱਲੇ इस दे नाल ही राजा बड़िंग बुजुर्ग मातावां दा आशीर्वाद लेंदे होए भी वीडियो च नजर आए। इस दे नाल ही राजा बड़िंग ने कहा कि वह पूरी कोशिश कर रहे ने कि प्राइवेट बसां नालों सरकारी बसां नूं वधिया बनाया जावे। राजा बड़िंग वल्लों इस दौरान ड्राइवरां अते कंडक्टरां दीआं मुश्किलां भी सुनीआं गईआं। ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪੋ ਬੋਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕਰਦਾ डेली बसा का मुनाफा जो ना मैं मंत्री बने 1 करोड़ रुपया होंगे 27 लाख रुपए की एक बस पड़ी है डेली मैं 3 बसा हम खरीद सकता जी टुटिया भजिया साड़िया बसा है आने वाले साढ़े MLA साहब है आने वाले समय च मेरी कोशिश है कि प्राइवेट बसा की थान सरकारी चलन तो सरकारी बसा प्राइवेट तो वधिया हो हर पिंड चो चले नाले और रोजगार देंगा तो नाले वधिया काम चले चंगा जी अदे सत श्रीकाल क्यों जा रहे हो सारे जरूरी नहीं जो मैं क्या करना जो उसे नुकसान हो रहा है तो मैनू लिख के ड्राइवर भी दे सकता किलोमीटर 500 किलो कोई बंदा आ जाता है असं उन्होंने कह दें कि ठीक है करा दें ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤੇ GM ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਰੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੋ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ GM ਨੂੰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 4:30 ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ GM ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਬੱਸ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੀਟਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਕਰ राजा बड़िंग का कहना है कि आने वाले समय चो उन्हां वल्लों सरकारी बसा नूं वधिया बना दिता जाएगा अते लोग प्राइवेट की जगह सरकारी बसा च ज्यादा सफर करनगे। दस दिए कि राजा बड़िंग लगातार एक्शन मोड च ने उन्हां वल्लों बिना टैक्स तो सड़कां दे चलण वालियां प्राइवेट बसा बंद कीतियां जा रही ने उन्हां नूं सरकार दा बनदा टैक्स भी भरन लई कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाबी लोक चैनल।